देखा यार। वो झटका मिला है। तुम यार वीडियो बनाने के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकते हो क्या तुम? तो भैया हम यहाँ बस तो टीम लोग हम लोग कुछ लोग भैया काम करो यार रुको रुको दो रुको यार। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप तो अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाले जहाँ पे जाने मतलब है जिंदगी से लड़ना, और हम आपको उस लोकेशन पे आज हम लेकर कंफर्म जाने वाले हैं। और ये हमारा एक सपना था, आपको टाइमिंग दिखा सकते हैं, मोबाइल लगी इधर मोबाइल लगी, आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं। अभी बज रहा है रात के 11 बज रहा है और हम रात के 11:02 पे इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं, अगर आप इस वीडियो को अकेले देख रहे हैं और आपका दिल कमजोर है तो कृपया करके आप इस वीडियो को ना देखें, अदरवाइज आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं सामने और पास में तार नंगा हो चुका है, मतलब लोकेशन थोड़ा डरावना सा है, थोड़ा क्या बहुत डरावना सा है। अभी हम अंदर इसके बाहर चलेंगे, एक्चुअली बाहर जंगल है, यहाँ पे कोई दिन में आता ही नहीं है। आप समझ सकते हैं दिन में आने का ना मतलब है, रात में तो कोई आएगा ही नहीं, और हम रात में पहुंचे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए हम कुछ लोगों के साथ आए हैं। ये देख सकते हैं ये भैया, इन भैया को देखिए, ये तो डंडा ही लेकर आ चुके हैं। डंडा के नीचे क्या है? और इस समय तो ये क्या है? एक्चुअली ये लग रहा है कि मतलब भूत से मरेंगे नहीं, लेकिन इसको हम अपने सुरक्षा के लिए। अब हम आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाले हैं जो आप उनको बोल सकते हैं बाबा, जो कि जिनका नाम है देव बाबा। हमें डर रहा था तो मैंने सोचा एक बाबा को रखेंगे साथ में तो शायद डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगा। तो हम आज उनसे ये पूछेंगे कि बाबा ये बताइए, डर तो हमें लग रहा है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या करें ताकि हमें डर ना लगे? क्योंकि देखो यार अगर हमारी जिंदगी रहेगी तो हम आपको बहुत सारे वीडियो दिखा सकते हैं डर वाले। कुछ तो लग रहा है भाई। तो चलिए बाबा जी इधर आइए बाबा जी। तो बाबा हमको ये बताइए, हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम ऐसे क्या चीज़ें करें जिससे कि हमें डर थोड़ा कम लगे? डर कम लगने के लिए पहले मतलब यहाँ अगर आपको घूमना है, जो भी वीडियो जो भी बनाना है, यहाँ स्थान पे पूजा कर लेते हैं, आप पूजा पहले कीजिए। अच्छा अच्छा। पूजा करने के बाद थोड़ा सा राहत मिलती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि पूजा करने के बाद भगवान का स्वयं यहाँ पे प्रकट होना हो जाता है, जिससे आत्माओं का थोड़ा सा राहत मिलता है, अगर कुछ होने वाला हो तो टल जाता है। ठीक है ठीक है। तो हम पूजा के लिए कुछ लेके आए हैं यहाँ पे? पूजा के लिए तो अगरबत्ती है। अच्छा अगरबत्ती माचिस है, तो चलिए ठीक है, तो हम उसको भी बारेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा बता दें इसके बारे में। तो गाइस ये मैं इस बारे में थोड़ा बताऊँ आपको। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब बनी बनाई चीज़ें बिगड़ जाती है, और आज हम वही चीज़ें को देखने आएंगे, क्या हम जो बनाने वाले हैं वीडियो क्या बिगड़ता है या बनता है। तो गाइस अब हम आपको बता दें, अब हम जो अगरबत्ती का आपको बताया था उसकी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले हम थोड़ा बाबा से और जानकारी लेना चाहेंगे कि आगे हम चलेंगे, आगे कैसी कैसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ सकती है। तो थोड़ा बताइए बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आगे कैसा परिस्थितियाँ होगी हम लोगों के साथ? यहाँ तो अभी थोड़ा सा सही है, क्योंकि पास में मंदिर है। अच्छा। जहाँ हम रहते हैं अंदर आगे जंगल है। अच्छा। जहाँ हमको भी दिक्कत हुई थी। अच्छा। इसके लिए मैंने इतना रुद्राक्ष कर रखा है अपना सुरक्षा पाने के लिए। अच्छा। आगे बहुत सारी दिक्कत है, आगे जंगल है, आगे दो रूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या बाबा जी हम वहाँ चलेंगे? हाँ चलते हैं, आपको दिखाएंगे वहाँ पे हम चले। इतना रुद्राक्ष पहन रखे, आप डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा रिक्सी है जो हमको भी लपेट में ले लिया था एक बार। अगरबत्ती जला के चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, अगरबत्ती का पूजा कर लेते हैं फिर हम चलते हैं। यहाँ आत्माओं के लिए अगरबत्ती जला लेते हैं। पसीने काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, चल पड़ते हैं आगे। तो क्या हम इसको यहीं मतलब रख देंगे कि नहीं, आगे यहाँ नहीं रखते हैं, आगे ले साथ में ले चलेंगे उसको, क्योंकि आगे दिक्कत हो सकती है, तो आगे चलते हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग लोग कर दिए हैं। अच्छा देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये अरे अरे वो गाय है, गाय है, गाय का लाइटिंग है, गाय का पोती है। इधर रास्ता कोई आता नहीं है और हम इधर से बाबा लेके जा रहे हैं। तो चलिए गाइस हम चलते हैं, इस रास्ते के थ्रू चलेंगे जो कि हमारे बाबा लेकर जा रहे हैं। तो एक्चुअली हमें तो काफ़ी डर लग रहा है, हमने सोचा था कि मुझे पहले जाना पड़ेगा, बट हमारे बाबा हमारे साथ दे रहे हैं, अभी मतलब दे रहे हैं काफ़ी। और हमें अंदर चलना है, अंदर थोड़ा व्यू दिखाइए, टचमैन साहब आप दिखाइए, काफ़ी फोकस बढ़ रहा है, काफ़ी जंगल है, अजीब अजीब की आवाज़ आती है, आवाज़ें काफ़ी अभी अजीब अजीब जा रही हैं। आपको अगर सुनाई दे रहा होगा तो कुछ पता चल रहा होगा, एक्चुअली काफ़ी घना जंगल है और घने जंगल के अंदर हमें चलना है।
हमारा जो लोकेशन है वो थोड़ा टाइम दिखाइए, वहाँ दिखाइए, ऊपर दिखाइए, आप ऊपर दिखाइए, हमें वहाँ चलना है। और आप देख सकते हैं हमारे बाबा जो है जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं। और अरे मैं तुम्हारा सतर यार पीछा हुआ तो गाइस हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं और हमारा जो मेन लोकेशन है वो वही लोकेशन है। आप दिखाइए थोड़ा टचमैन, आप ऊपर करिए टचमैन साहब, और कैमरामैन साहब आप भी ऊपर करिए, वही लोकेशन है। एक्चुअली वहाँ पर जाने का थोड़ा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ अगरबत्ती को नीचे रखेंगे, और उससे पहले हम जानेंगे इस जगह के बारे में कि इस जगह पे मतलब क्यों नहीं कोई लोग आता है और क्यों रात में हम यहाँ पे आए, क्या देखने के लिए आए, क्या ऐसी चीज़ें हुई है, थोड़ा हमारे बाबा बताएंगे। डर तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बाबा बताइए आप क्या बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में। पहले तो हम यहाँ पूजा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ के जमीन को पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा यहाँ पूजा करना बहुत सारे लोग यहाँ प्रणाम कर लेते हैं सारे लोग। अच्छा, 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 को क्योंकि यहाँ पहले मुर्गी फार्म था, मुर्गी फार्म बहुत सारी निगेटिव शक्तियाँ रहती हैं यहाँ पे जो कि इधर प्रसान करती हैं। वो बहुत सारी जब मुर्गी फार्म खुला था रोज़ 10-15 मुर्गी मर जाती थी जो निगेटिव शक्तियाँ मार डालती थी। तो वो 6 महीना चला, 6 महीने में बहुत सारा नुकसान हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कुछ फैक्ट्री चालू हुआ था जो कि कोल्ड ड्रिंक बनता था बट वो डीबे के पास नहीं पहुंचता था, विद से गायब हो जाती थी। तो उसकी वजह से उनका बहुत सारा नुकसान हुआ जिसकी वजह से वो बंद हो गया। उसके बाद यहाँ आना जाना बंद हो गया। पास के मंदिर, यहाँ मंदिर बनवाया गया ताकि यहाँ का थोड़ा सुरक्षा मिले लोगों को, क्योंकि यहाँ आसपास लोग खेत में आते थे उनको बहुत सारा नुकसान होता था। तो अब बहुत लोग हैं जो मतलब यहाँ नहीं आते हैं रात में, तो दिन में तो आते नहीं है, तो रात में तो कोई आता नहीं है। अब पास के मंदिर है तो आप लोग आए हो तो चलो दिखा दो, तो मैं चलो ठीक है। नहीं नहीं भी बिल्कुल सही बात है, मतलब डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप आए हैं तो थोड़ा बहुत डर कम हो गया। हमने तो सोचा नहीं था कि हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन आप ऐसे ही हमें मिल गए भाग से कि आप हमें बता रहे हैं कि बैठ जाओ थोड़ा पूजा कर लेते हैं, तो यहाँ पूजा है, थोड़ा बहुत डर तो अब कम हो ही गया। क्या था यार, काम करो यार, कोई बात नहीं हो भाई, कोई बात नहीं हो भाई, भाई 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 ये कोई बात नहीं हो यार, यार ये कोई बात नहीं हो यार, साथ साथ में निभाना पड़ेगा आपको। सुनो सुनो, अरे पीछे साथ वो बोल रहा है उनको झटका लगा था। अरे वो झटका लगा भाई, भाई सुनो, वो निगेटिव शक्ति थी जो आपको झटका दी है भाई, हमको जाना है तो कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, हम नहीं जाएंगे। अब बताइए तो गाइस हम चल रहे हैं, हमारे साथ एक भैया जो थे जो कि उनको काफ़ी डर लग रहा था और उनको शायद झटका आया था, झटका आया था, वो निगेटिव शक्ति थी जो मना कर रही है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन यार लेकिन हम हैं, आप डरो मत, वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाए, थोड़ा बहुत झटका दे सकती है, ताकि वो बोल रही है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन अभी हम आगे दिखाते हैं आपको, आगे आप चलिए देख लीजिए। क्या लगता है हमें इसमें शक्ति मिलेगा? अरे मिलेगा जरूर यार, मिलेगा, पास में मंदिर है, माता जी का आशीर्वाद है। ये उठा अगरबत्ती, उठा अगरबत्ती, थोड़ी झटकियाँ मिलती रहती है, इसको उठा, एक उठा अगरबत्ती, अगरबत्ती ना अगरबत्ती आप उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हट जाओ अगरबत्ती, चलिए गाइस हम चल रहे हैं, इसलिए हमारी पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है जब से मैं इसे यहाँ पे आया। यही हमारा जो मेन जो जगह है वही जगह है, यही हमें चलना है नीचे। अब हमें डंडा का उपयोग करना पड़ेगा, डंडा से आगे निकल पड़ना पड़ेगा। हाँ, ये अभी यहाँ पे सारी बहुत काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, तो यहाँ कोई रात में दिन में कोई कहीं नहीं आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जंगलें हो गई है, यहाँ निगेटिव शक्तियों का वास हो गया है। चले चलते फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो निगेटिव शक्तियाँ की वास हो गई है यहाँ पे, निगेटिव शक्तियाँ का वास हो गया है, जिसके कारण यहाँ मंदिर बनवाया गया, माता जी का स्थान है वहाँ पे, उसका उसकी वजह से थोड़ा सा बहुत लोगों को राहत है। अगल बगल खेत है जिसकी वजह से मतलब लोग गन्ने होंगे उगाते हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ था, अभी ठीक है, मंदिर जब से बना थोड़ा सा सही है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ने, थोड़ा डंडा ला थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन बाबा हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है, जब से वीडियो स्टार्ट किए हैं तब से बंद कर रहा है, सुना भी सकती इसलिए कर रही है ताकि आप बोल ना पाओ, क्योंकि मेन पार्ट तो यही था, हम वही दिखाना चाहते हैं, लेकिन यार हमारा पेट दर्द कर रहा है। तो चलिए थोड़ा बढ़ लेते हैं आगे,
अरे रुको रुको रुको, यहाँ नहीं गए सब तीर का वो आप मतलब मेरी कहानी ना सुनकर सुल्तान की कहानी ना बताओ किसी को। अरे 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 क्या होगा, क्या होगा भाई, उठा पानी डालो, पानी डालो मुंह में पानी डालो, बंद इसको क्या हुआ।